गिलगित बल्तिस्तान काबीना ने हलफ उठा लिया। 12 वजीर, 2 मुशीर और 3 मुआवनी ने खसूसी, 2 कोऑर्डिनेटर्स काबीना का हिस्सा। शिकस्त खाने वाले 3 पीटीआई अहदेदार भी काबीना में शामिल। वजीर आजम इमरान खान की भी तकरीब में शिरकत। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत नई रिवायत कायम करेगी, आवाम की जिंदगियां बदल देंगे। इसहाक डार गैर मुल्की सहाफी को जवाब नहीं दे सके, अदालत को क्या जवाब देंगे? इसहाक डार के बैंक में कई बिलियन रकम मौजूद है। इश्तेहारी करार दिए जाने के बाद घर जब्त किया गया, मफरूर को कटहरे में जरूर लाएंगे। इसहाक डार ने नैब की हिरासत में दर्जनों अफराद की हलाकत का इल्जाम लगाया, चेयरमैन नैब को एक्शन लेना चाहिए। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून के गढ़ लाहौर में पीडीएम जलसे की तैयारियां। ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की लाहौर में अहम बैठक। 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान जलसे के इंतजाम और पुलिस के मुतवक क्रैकडाउन पर जवाबी हिकमत अमली पर मुशावरत। पंजाब हुकूमत ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की मुद्दत में 24 घंटे की तौसीक कर दी। वजीर आला पंजाब ने भी मंजूरी दे दी। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना से जंग हार गया। निजी अस्पताल के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फारूक पेशावर के अस्पताल में जेरे इलाज थे। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 25 डॉक्टर कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। अहमदाबाद में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स का सीनियर क्लर्क शौकत भी कोरोना के बायस जाँ बहक मुलाजमीन की तादाद 4 हो गई। पंजाब के स्कूलों में 30,000 असातजा की आरजी भर्ती रुक गई। सूबे में असातजा की 70,000 असामियां खाली, कोरोना के बायस भर्ती का सिलसिला इल्तवा का शिकार। साबिक कप्तान वसीम अकरम कराची के साहिल की सफाई देखकर खुश। वीडियो पैगाम में अहलिया ने कराची और इंतजामिया को मुबारकबाद। कहते हैं सबने बड़ी मेहनत की, अब साहिल को ऐसे ही साफ रखना है।